मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम स्टेज डिज़ाइनिंग का था। अब वो स्टेज ड्रामों वगैरह का काम बंद हो गया कोविड की वजह से, तो मैंने नया काम शुरू किया है। आपने मुख्तलिफ आर्टिस्टों के मुख्तलिफ फनपारे देखे होंगे, उनके आर्ट देखे होंगे। ये मैंने जो मैं काम शुरू किया हुआ है वो मैं नेट पे मैंने एक चीज़ देखकर मैंने अपनी तरफ से हिम्मत की, कोशिश की, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब काम में थोड़ी सी महारत आ गई, थोड़ा सा काम में अच्छा करने लगा हूँ। तो ये आपके सामने फनपारे वगैरह जो मैंने बनाए हैं। शुरू शुरू में ये था कि मेरे पास जगह नहीं थी, जगह मुझे अजीज़ के थ्रू मुझे जगह मिली है और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा मसला इसमें, क्योंकि ये काम बड़ा मुश्किल काम है, मेटल वर्क है, इसमें ज़्यादातर का जो है कटिंग वगैरह, मेटल कटिंग करना वो कभी मैंने किया नहीं था। और मेन चीज़ है वेल्डिंग, जिसको जोड़ना एक दूसरे से पीसीस को बनाकर जोड़ना, मेन चीज़ वेल्डिंग। वेल्डिंग मैंने लाइफ में कभी नहीं की थी, तो एक दो दोस्तों का सहारा लेकर उनसे वेल्डिंग मैंने सीखी और अब मैं इंडिपेंडेंटली खुद ही काम कर जा रहा हूँ। पाकिस्तान में मैंने अब तक कहीं ऐसा काम देखा नहीं, वेल्डिंग का काम, दूसरे काम डिज़ाइनिंग वगैरह के होते हैं जो बंगलोज में दफ्तरों में गेट जाली का, लेज़र कटिंग का, सारे काम आयरन पे होते हैं। लेकिन ये काम, क्योंकि मैंने चीज़ देखी थी कि जब पूरी ज़िंदगी में आदमी चमचों से कांटों से खाता है, तो इस चीज़ को मैंने देखा तो एक यूनिक सा काम लगा और आर्टिस्टिक काम लगा, तो मुझे इसमें दिलचस्पी पैदा हुई। मैंने इस पर स्टडी की और अपनी तरफ से मेहनत करके ये काम मैंने शुरू किया। मेरा काम मैंने शुरू किए हुए 2 से 3 महीने हुए हैं, तो मुझे फ़िलहाल तो तकरीबन दिन में 3 से 4 पीस बना लेता हूँ। ये डिपेंड करता है कि कितने चम्मच का पीस है, 2 से 3 चम्मच कम से कम एक पीस में लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 भी लग जाते हैं। तो जो कम मटेरियल का होता है, जो 4 चम्मच का होता है, तो वो उसमें कम टाइम लगता है, तो ज़्यादा मटेरियल होते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। बर्ड्स ज़्यादा वजह बनाने की वजह यह है कि नेट पर मैंने ज़्यादातर चीज़ देखी वो बर्ड्स पर ही बनी हुई है, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी मैंने देखी, वो खुद अपनी तरफ से भी कोशिश की फ्लावर वगैरह बनाने की, जिससे आप देख लेंगे बटरफ्लाई वगैरह भी हैं और एलिफेंट मैंने बनाया है, कैट भी बनाई है। कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं सेल कर चुका हूँ। वर्क इतना लंबा है क्योंकि इसमें सबसे पहले चमचों की कलेक्शन, जो कांटे व चमचे, जो फॉक होते हैं, नाइफ होती है, उसकी सबसे पहले एक जो प्रोडक्ट होता है उसकी कलेक्शन करनी होती है, उसके बाद उसकी कटिंग करनी होती है, कटिंग के बाद उसकी जो है शेप देना होता है उसको, उस आर्ट के लिए। तो शेप देने के बाद उसकी वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग के बाद उसकी रबिंग होती है, जो वेल्डिंग जहाँ जहाँ होती है उसकी घिसाई करना, फिर उसके बाद आखिर में पॉलिशिंग और उसके बाद फिनिशिंग होती है। ख़र्चा तो बेसिकली इसमें इतना नहीं आता है क्योंकि ये मैं यूज्ड मटेरियल उठाता हूँ, लेकिन सबसे मेन चीज़ इसमें आर्ट है और इसमें मेहनत है, जो मेहनत और आर्ट और टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए ये मेरे हिसाब से कॉस्टली पड़ जाता है। जब इसमें नेट पे मैं चीज़ें देखी और दुनिया में क्या क्या बन रहा है, किस किस हिसाब से बन रहा है, वो बनाने वाले वही इंसान ही है और हम पीछे रह गए इस मामले में, हर आर्ट के मामले में भी पीछे रह गए, टेक्निकल मामले में पीछे रह गए। तो उसकी वजह ये कि हमने मोबाइल को, इंटरनेट को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया, सही वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इसको, इंटरनेट को, मोबाइल को या कंप्यूटर को इस्तेमाल करें, उसको सर्च करें, उसमें जो जो नई चीज़ें वो बनाने की तख्लीक करें, अपने तरीके से कोशिश करें।